आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का 8वां क्वालिफाइंग मुकाबला श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला गया ग्रुप ए का यह मुकाबला। आप सभी को बता दें बड़े ही धमाकेदार तरीके से दोस्तों श्रीलंका ने इस मुकाबले में जीत दर्ज करी। ना सिर्फ जीत दर्ज करी बल्कि सुपर 12 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी पूरी तरीके से कन्फर्म कर दिया। आप सभी को बताने वाले इस मैच का पूरा हाल कि किस तरीके से श्रीलंका की टीम ना सिर्फ हारता मैच बची बल्कि आयरलैंड की टीम को बुरी तरीके से हार का सामना भी कराया। किस बल्लेबाज के दम पर वो सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला वार्म अप दोस्तों सबसे रोमांचक रहा अब तक के मुकाबलों में देखा जाए, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरीके से अपना दबदबा कायम किया क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले में, लग रहा है कि श्रीलंका की टीम अब फिर से उभरती नजर आ रही है। साल 2014 के बाद से ही जब से दोस्तों श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला जीता था दोस्तों फाइनल का, तब से यहाँ पर इनके कई ऐसे खिलाड़ी थे सीनियर खिलाड़ी जो कि संन्यास लेने लगे, जिसमें महिला जयवर्धने, तिलक रत्न दिलशान, लसित मलिंगा जैसे, कुमार संगकारा जैसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए, लेकिन उसके बाद से इनका बैकअप ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन अब टीम काफ़ी मजबूत नजर आ रही है क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबलों में, लेकिन जब इनके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीमें होंगी तो क्या करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बात करें इस मुकाबले की जो खेला गया दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच, मैच नंबर 8 था ये, श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का ये मुकाबला खेला गया शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर, जहां आयरलैंड ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। तभी दोनों कप्तानों ने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया, जिसमें श्रीलंका की प्लेइंग 11 थी पथुम निशांका, कुशल परेरा, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश चंडीमल, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षा, दशुन शनाका जो कप्तान है, चमिका करुणारत्ने, वनिंदु हसरंगा, दुश्मन चमीरा, महेश दीक्षानाथ, लहिरु कुमारा। तो वहीं आयरलैंड की प्लेइंग 11 थी पॉल स्टीलिंग, केविन ओब्रायन, एंड्रू बल्बरिन जो कप्तान थे, गैरेट डेलिनी, कर्टिस कैंपर जो सबसे खतरनाक गेंदबाज इनकी टीम के और इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के, क्योंकि इन्होंने 4 गेंदों पर 4 विकेट एक साथ लिए थे। हैरी टैक्टर, नील रॉक विकेटकीपर बल्लेबाज, सिमी सिंह भारतीय मूल के खिलाड़ी, मार्क एडायर, जोशुआ लिटिल, क्रैग यंग, ये थी इनकी शानदार प्लेइंग 11। अब शुरुआत में दोस्तों टॉस यहां पर जीता था आयरलैंड की टीम ने, उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया तो श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इनको 3 बड़े झटके बड़ी जल्दी लग गए। जी हां दोस्तों, 2 यानी कि 1 ओवर के बाद जो 4 गेंदें हुई थी, 10 गेंदों के अंदर 8 ही रन बने थे टीम के और 3 विकेट खो दिए थे 10 गेंदों के अंदर ही अंदर टीम ने। जहां पर दोस्तों आपको बताएं कुशल परेरा बिना खाता खोले पहली गेंद पर आउट हुए, 6 गेंद पर 6 रन का सामना कर रहे थे चंडीमल, उनका विकेट जोशुआ लिटिल ने लिया। उसके बाद अगले ही बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो थे, उनका अगली ही गेंद पर विकेट लेकर जोशुआ लिटिल ने इस मैच पर पकड़ बना ली। लेकिन आज शनाका ने और राजपक्षा से ऊपर वनिंदु हसरंगा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, बहुत रेयर मोमेंट था दोस्तों। और यहाँ पर वनिंदु हसरंगा और पथुम निशांका के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली, जो करीब करीब यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं तो बहुत बेहतरीन 123 करीब रनों की थी। ये पार्टनरशिप देखने लायक थी क्योंकि इस पार्टनरशिप ने सबका दिल जीत लिया। जहां 10 गेंदों के अंदर 8 रन खोकर 3 विकेट थे श्रीलंका की, यहां से वापसी करती है श्रीलंका की टीम। वरना आयरलैंड के अगर अलावा कोई और टीम होती, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका जैसी टीम होती तो शायद श्रीलंका को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। लेकिन श्रीलंका अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हुई। 16 ओवर की दूसरी गेंद तक वनिंदु हसरंगा ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर 47 गेंदों में 71 रन बटोर लिए थे। 10 चौके, 1 छक्के इनकी इस पारी में थे। मार्क एडायर ने इनका विकेट लिया था। दूसरे छोर से पथुम निशांका ने 47 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। जोशुआ लिटिल ने इस मैच का 3रा विकेट लिया था। उसके बाद भानुका राजपक्षा के रूप में 4था विकेट लिया था। कप्तान शनाका ने लास्ट में 11 गेंदों में 21 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम का स्कोर जो 155 के आसपास लग रहा था उसको सीधा पहुंचाया 171, 2 चौके 1 छक्के की पारी के दम पर। 3 गेंदों में 2 रन बनाया था करुणा रत्ने ने। मार्क एडायर ने इस मैच का 2रा विकेट लिया। 1 गेंद पर 1 रन बनाकर चमीरा नाम बात खड़े थी। 4 ओवर में 23 रन देते हुए जोशुआ लिटिल ने 4 विकेट लिए। क्रेग यंग आज खाली हाथ रह गए दोस्तों। मार्क एडायर ने 2 विकेट लिया। स्टीलिंग ने 1 विकेट लिया। अब यहां पर 172 रन चेस करना था आयरलैंड की टीम को कठिन चुनौती थी, क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए भी दोस्तों करो या मरो का एक तरीके से था ही। अब अगले मुकाबले में इनको जद्दोजहद करनी होगी काफी ज्यादा। लेकिन अब बात करें यहां बल्लेबाजी की आयरलैंड की, तो शुरुआत से ही दोस्तों यहां पर टीम काफी हावी रही श्रीलंका की। 1-2 नहीं बल्कि यहां पर 10 की 10 विकेट चटका दी श्रीलंका ने आयरलैंड की टीम की, और आखिरी के करीब करीब 9 गेंदें फिर भी बची रह गई थी। 9 गेंदों पहले दोस्तों आयरलैंड का ये मुकाबला खत्म कर दिया था। शुरुआत में इसी दोस्तों तिक्षाना यहां पर हावी रहे बल्लेबाजों पर, जहां केविन ओब्रायन के रूप में पहला विकेट चमिका करुणा रत्ने ने लिया, जहां 3 गेंदों पर 5 रन केविन ओब्रायन बनाकर खेल रहे थे। एंड्रू बल्बरिन जो कप्तान थे वो अगले बल्लेबाज थे पॉल स्टीलिंग के साथ देने के लिए आए, लेकिन पॉल स्टीलिंग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 3 गेंदों में 3 रन बनाकर ही
ओवर के, जहां पर 18 रन निजी स्कोर था। टीम का दो विकेट यहां पर चटक चुकी थी क्योंकि अब तिक्षाना ने इस मैच का दूसरा विकेट लिया था। उसके बाद यहां पर ग्रेटे दिलेनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वनिंदु हसरंगा जिन्होंने पहले बल्ले से कमाल दिया, बारी थी गेंद से कमाल करने की। तो आज उन्होंने दोस्तों जो गेंदबाजी करी वो चमत्कार भरी गेंदबाजी थी क्योंकि 24 गेंदों में सिर्फ 12 रन यानी कि 4 ओवर 12 रन देते हुए एक विकेट चटकाया वनिंदु हसरंगा ने। आपको बताएं तो डिलेनी का विकेट इन्होंने लिया, उसके बाद कर्टिस कैंपर आए थे 28 गेंदों में 24 रन इन्होंने बनाया। तिक्षाना ने इस मैच का दूसरा विकेट लिया। उसके बाद हैरी टेक्टर आए बल्लेबाजी करने के लिए, इसका विकेट दोस्तों फिर यहां पर बल्लेबाजी का लिया तिक्षाना ने ही विकेट लिया। लहिरू कमीरा ने विकेट लिया था, नील लोक का विकेट तिक्षाना ने लिया, मार्क डायर को रन आउट किया, सिमी सिंह नाबाद खड़े रह गए 5 रन बनाकर, क्रैग यंग का विकेट चमीरा ने लिया, करुणा रत्ने ने जोशुआ लिटिल का विकेट लिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए पार्टनरशिप पनपने ही नहीं दी किसी भी दो बल्लेबाजों के बीच सिवाय एक को छोड़कर, क्योंकि कर्टिस कैंपर और एंड्रू बलबरीन एक समय पर लग रहे थे कि मैच को निकाल कर ले जाएंगे क्योंकि शुरुआत में श्रीलंका का स्कोर भी दोस्तों इससे बुरा था, उनका तो 10 गेंदों के अंदर 8 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे। फिर भी दोस्तों यहां से मजबूत स्थिति में थी आयरलैंड की विकेट जब उनका 2 विकेट 18 रन पर गिरा था, लेकिन उसके बाद यहां से पार्टनरशिप अच्छी थी। एंड्रू बलबरीन ने 39 गेंदों में 41 रन की पारी 2 चौके 2 छक्के की मदद से खेली, कर्टिस कैंपर ने 28 गेंदों में 24 रन बनाए 2 चौके की मदद से। ये दो बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज सिंगल डिजिट यानी कि डबल डिजिट के आंकड़े तक पहुंच ही नहीं पाया, सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाया सिर्फ इन दो बल्लेबाजों को छोड़कर। 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट महेशा तिक्षाना ने लिया, लहिरू कुमारा ने 2 विकेट चटकाए, चमिका करुणा रत्न ने 2 विकेट, वनिंदु हसरंगा और दुश्मन चमीरा ने भी एक एक विकेट चटकाया। अब बात करें दोस्तों यहां से क्वालिफाइंग मुकाबले की, तो श्रीलंका की टीम दोस्तों यहां नंबर 1 पर बनी हुई है और अगर ये अगला मुकाबला जीत जाती है तो नंबर 1 के साथ दोस्तों ये अच्छे खासे सुपर 12 ग्रुप में प्रवेश कर जाएगी और यहां पर से प्रवेश करना मतलब कि जबरदस्त पारी को यहां पर अंजाम देना होगा। अब सुपर 12 में जगह बनाने के लिए दोस्तों उसके कुछ अपने ही रूल्स रेगुलेशन हैं, अगर देखा जाए तो रूल्स रेगुलेशन हम आपको अपनी अगली वीडियो में समझा देंगे। अभी बात करें तो ग्रुप ए से दोस्तों श्रीलंका कन्फर्म हो गई है जो आगे जा रही है, क्योंकि अगर कोई अगली टीम जीतती भी है तो इनके यानी कि जो अगला मुकाबला है वो श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड का है, जिसमें नेदरलैंड दोनों मुकाबले हार चुकी है और श्रीलंका अपने दोनों मैच जीत चुकी है। आयरलैंड और नामीबिया का है, आयरलैंड दोस्तों अपने एक एक मुकाबले जीती है, नामीबिया भी एक एक मुकाबले जीती है। आयरलैंड नामीबिया से जो जीतेगा वो सीधा जाएगा यहां पर सुपर 12 में। ग्रुप बी की बात करें स्कॉटलैंड ओमान बांग्लादेश और पापुआ निगिनी, तो पापुआ निगिनी बाहर हो गई है, स्कॉटलैंड दोस्तों अंदर है। ओमान और यहां पर पापुआ निगिनी का अगला मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश का दोस्तों मुकाबला दिलचस्प रहा था पिछला, तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ घटता है ये। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड के चांस है ज़्यादा कि ये दोनों टीमें आगे बढ़ती नजर आएंगी, बाकी देखते हैं बाकी टीमों का क्या हाल होगा। बाकी श्रीलंका कन्फर्म है वो सुपर 12 में पहुंच गई और आज के मुकाबले में वनिंदु हसरंगा की चमत्कारी पारी, एक विकेट उन्होंने चटकाई, 71 रन की पारी थी, पथुम निशांका की 61 रन और प्लस यहाँ पर महेशा तिक्षाना के 3 विकेट, चमिका करुणा रत्न और लहिरू कुमारा का 2 विकेट टीम के लिए मैच जिताऊ पारी रहा। 70 रन से श्रीलंका ने यह मुकाबला जीता, मैच नंबर 8 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मुकाबला। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।